नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक और नई लघु कथा, एक और नई मेंबर की जिन्होंने मुंबई से ये स्टोरी लिख करके भेजी है। उनका नाम है रेखा सुथार। आइए शुरू करते हैं उनकी लिखी लघु कथा जिसका टाइटल है उदास शाम। पूरा एक साल बीत गया। आदित्य ने खुद को काम में इतना व्यस्त कर दिया कि उसे खुद के बारे में भी सोचने का समय नहीं मिलता। मगर फिर भी हर रोज शाम का कुछ वक्त वो खुद के साथ बिताता था, या फिर यूं कहें कि उसकी यादों के साथ। अपनी बालकनी में चेयर लगा के उस पे पैर पसार उस सिगरेट के धुएं के साथ जहन में अपने अतीत की उन यादों को फिर से सुलगाता था। एक रोज शाम को अचानक फोन की घंटी बजी। फोन की तरफ देख वो हैरान सा रह गया। ये फोन उस नंबर पे था जिसके नंबर सिर्फ उसके पास थे। मन में उबाल लेती भावनाओं पर नियंत्रण रख उसने कपकपाते हाथों से फोन उठाया। हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं आई उधर से। एक गहरी खामोशी थी उस तरफ जिसमें जब्त जज्बातों में खुद के लिए प्यार की तपश आदित्य को बेहद करीब से महसूस हो रही थी। पीछे जगजीत साहब की आवाज में वही गजल बज रही थी जो दोनों को बेहद पसंद थी। एक लंबी खामोशी से हुई गुफ्तगू के बाद फोन कट हो गया। पास में रखे कैलेंडर की ओर देखा तो पता चला आज आदित्य का जन्मदिन था। आज शाम उदास थी और आदित्य मुस्कुराया था। बस इसी मोड़ पर कहीं और यादों में ले जाते हुए खत्म होती है ये लघु कथा। लघु कथाएं भी कमाल की होती है ना। एक किस्सा छोटा सा मगर कितना गहरा ले जाता है हमें। उम्मीद करता हूं रेखा सुथार की लिखी ये लघु कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। जी हाँ, उनके नाम के आगे जी मैंने नहीं लगाया। कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था कि वो उम्र दराज होंगी, मगर शी इज क्वाइट यंग। और उनकी पहली लघु कथा कहानियों के सफर में शामिल हुई है। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में उनके लिए कमेंट लिख सकते हैं। लाइक बटन दबाकर अपनी पसंद की जाहिर करें और शेयर करें अपने अपनों के साथ ताकि अच्छी यादों में खोकर हर कोई मुस्कुराए। अगले पड़ाव पर नई लघु कथा या कहानी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।